पुरजा कट मरे कब हुना छाड़े खेत पुरजा कट मरे कब हुना छाड़े खेत देखो इतिहास वाले पन्ने फोल के की करना पिया पर देखो नाले सुनो कन खोल के हकां दे ले किन्ने आनू मरना पिया कोई ले जाज की दबाने लग जे सीने अते डाले फिर जोने पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाले खोने पैंदे आ देखो इतिहास वाले पन्ने फोल के करना पिया पर देखो नाले सुनो कन खोल के हकां दे ले किन्नियां नू मरना पिया कोई नजायज की दबाउण लग जे जदों कोई नजायज की दबाउण लग जे सीने अते डौले फिर जोने पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाले खोने पैंदे आ खंडे दी तार ते पैंदियां ने जाना तली ते टिकाउणियां पत्तना आजाद पंछियां दे बांग जे चौंज पंजे बाजा ना फसाउणे पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोणे पैंदे आ मैंने कर देनू जेड़ा वड्डण पवे सिंगा उत्ते पैंदा चकणा कसाई नू माही राजियां दी पैंदी तान बदनी बुकल च छुरे भी लकोने पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोने पैंदे आ मिर्दा दे नाल मुक्ती नी मिलदी हथ बन कट होण ना चरासियां भन के जबाड़े पैंदे सिंह पौर ने हस हस गला चुपवा के फांसियां जोते लैण लई आजादियां जज बे सीने च समाउणे पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोणे पैंदे आ जी जी करे आ तो जो चढ़न सिर ते चोले होए हाथ पैर पैंदे खोलणे रब नाल नेड़े हुंदा है कसन जो लट्टुआं दे पैंदे परदे फरोलणे रोड़ा दे के मिलू गक जी दुख दे बैरी दे अंग टोणे पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोणे पैंदे आ करिए जुरत ते सलाम उहनां नूं हक लई जिन्हां ने हजाना सरोते उन्हां नूं हक लैण दियां करके तैयारियां बल्लेकार लिखदा गोबिंद गाड़िया धागे बिच मोती जो परोने पैंदे आ केड़ा गक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोणे पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक ता जुरत नाल खोणे पैंदे दिहाड़ी दी कीमत पुछनी है मजदूर तो पुछ हीरे दी कीमत पुछनी है कोहे नूर तो पुछ कौन कहिंदा ए सिंघां नूं मिली फते सस्ती फती दी कीमत पुछनी है दसम हजूर तो पुछ गैरतमंद पंजाबीओ जागदी जमीर वाले सिखो बाबे नानक दे वारसो
बाबा बंदा सिंह बहादुर दी सोच ते लंबे दिनां तो पहरा दे रहे सारे ही पंजाबीओ दिओ जी असीस शब्दां दा दान झोली पाओ तां कि आप दे चरण परस सकां क्योंकि यह एक सच्चाई है कि मैं कोई भी प्रचारक आलम फाजल विद्वान कविशर नहीं। एक 11 अते 12 अक्तूबर 2015 की रात उस कोटकपूरे दे चौंक दे विच अखी देखी सी मन दे विच तीन विचार सन सिख ते पंजाबी होण दे नाते कि बाहां दे विच चूड़ियां पा लवां जां दूसरा विचार सी कि आत्महत्या कर लवां जां तीसरा विचार सी कि अपने पंजाब दी गल अपनी सिख कौम दे हक्कां दी गल अपने लोगां दे विच जाके करां जो शायद किते ना किते मेरी कौम दे अंदर प्रचारकां दी कमी नहीं। तकरीबन मोटा जिहा अंकड़ा है 15,000 प्रचारक ने वक्खो वक्खे खेतरां दे विच पर कुछ क प्रचारकां नूं छड्ड के ज्यादातर प्रचारक जां संगाऊ ने जां डराऊ ने ते जां फिर बकाऊ ने जिहड़े अपने कौम दी गल करन लगे संग जांदे ने जां अपनी कौम दे सच दी गल करन लगे डर जांदे ने किते चांदी दे छिलड़ां दी खणकार ना घट जावे किते ड्यूटी ना बदल दित्ती जावे जां तीसरे बकाऊ ने जो उपरों नागपुर तो हुक्म आउंदा है उह पंजाब दे लोकां दे दिलां दे अंदर पाई जांदे ने। आओ मेरे सिर ते हथ रखो एक बेनती है सत्कारयोग वीरां नूं कि किसे दी एक कार खड़ी है नंबर है 6464 ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। समा कदे नहीं किसी नूं समा दिंदा। जिहड़े समय की कदर पछाणदे नहीं, दो बेड़ियां वाले सदा डुब मरदे। जिहड़े इक ते तरना जाणदे नहीं, कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। इस संसार दे उपर उस नीली छत वाले ने हर किसी की झोली किरत पाया है, रिजक पाया है। वो अपने रिजक दे अंदर यह सोचता है कि जो मैं करता हाँ मेरे पुत धी वड्डे होके मेरे रिजक मेरी कार नूं अडॉप्ट कर लैन। इस हिंदुस्तान दे एक्टर सोचते ने साडे धीआं पुत हीरो हीरोइन बन जाण। इस हिंदुस्तान दे क्रिकेटर सोचते ने साडे बच्चे वड्डे होके क्रिकेट खेडण। इस भारत दे बिजनेसमैन व्यापारी सोचते ने साडे बच्चे पढ़ लिख के व्यापारी बन जाण, बिजनेसमैन बन जाण तां कि इन्हां दी जिंदगी अंदर खुशहाली आ जावे। पर मैं उस दर्दां मारी समाज की गल कर लग्गिआं, मैं उस दुखी जमात की गल कर लग्गिआं जिहड़ी सुपने विच कदे इह नहीं सोचदी कि मेरा पुत वड्डा होके किसान बन जावे। कोई किसान नहीं चाहुंदा कि जो मैं अद्धियां रातां नूं सप्पां दीआं सिरियां मिधदा मेरी औलाद भी इन्हां नूं मिधे। कोई किसान नहीं चाहुंदा जिहड़ी गुरबत जिहड़ी गरीबी मेरी जिंदगी ते मेरे वेहड़े विच है इह मेरी औलाद दे वेहड़े विच दस्तक देवे। कोई किसान इह नहीं चाहुंदा कि जिहड़ियां सूबे दीआं सरकारां ते इस दिल्ली दी हकूमत ने मेरी जिंदगी खत्म करन लई इह फांसियां दे रस्से इह सप्रेयां पा दित्तियां इह मेरी जिंदगी विच भी होण। इक किसान दी जिंदगी दे उस दर्द नूं गोविंद ते गुरदेदी जोड़ी काबरू विच हे इउं कहिंदी है जी। झट फाहे लै लै मरदे ने नत खबर हुंदी अखबारां दी कद लीडर सुत्ते जागणगे कद अख खुलू सरकारां दी। दुनिया दा ढड भरदे ने क्यों भुखे मरन बेचारे नी जट खुद कशियां क्यों करदे ने कद सोचेगी सरकारे नी। कहिंदे पानी डूंगे हो गए आ जट झोना का तो लाउंदे ने जे फसल बदल मी बीज लईए क्यों कौडी मुल ना पाउंदे ने। सानू रेट मिले जे फसलां दा सड़कां ते कौन खिलारे नी जट खुद कशियां क्यों करदे ने
कद सोचेगी सरकारे नी साडियां पक्कियां फसलां ते कदे मार कुदरती पै जांदी जद मुड़े ब्याज न करजे दा हर रीज अधूरी रह जांदी कदे बग आवारा डंगरां दे फसलां दे करन उजाड़े नी जद खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी दिन रात कमाइयां करके भी जट मंडियां दे विच रुलदा साडे दाल सब्जियां विक देना ना नरमा झोना तुलदा ए रेट ला के ए मन मर्जी दा क्यों लैण दलाल नजारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी गुण वांगू लगे जट्टां नूं तहसीलदार पटवारी नी सानू लुट्टी जांदे आरतीए ते साहूकार व्यापारी नी ए लुट के ऐसा कर देने साडे मुश्किल होण गुजारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी तेरी महंगाई ते जी अछती जट्टां नूं लैके बैगी नी साडे खर्चे दुगने हो गए आ ते आमदन अद्धी रह गई नी रे तेल बीज सपरेगा ते तू लाते टैक्स भारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी तेरे नकली बीज दवाइयां ने जट्टां नूं खुंजे ला दित्ता तू तोड़ा पाला अन्नदा तारा खुद कशियां दे पा दित्ता तेरे वादे करजा माफी दे सब निकले झूठे लारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी चौधर ना एका होण दिंदी उंज साडे तड़े बथेरे ने ना को जेड़े झंडे आ झंडिया विच डंडे तेरे ने जथेबंदियां पल्ले तरने आ जाए अर्थी फूक मजारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी मंग करिए अपने हकां दी असी भीख तेरे तो मंगदे नी मुल दे दे साडियां फसलां दा हुण मर मर के दिन लंघदे नी जेड़े मरे प्रीत ना बैरी तो जेड़े मरे प्रीत ना बैरी तो तेरी गलत नीति ने मारे नी जट खुद कशियां क्यों कर देने कद सोचेगी सरकारे नी कद सोचेगी सरकारे नी जद चढ़न पाप दियां जंजां भुखियां चम दियां जदों अपील दलीलां होण ना किसे भी कम दियां जद कोई जरवाना मनुखता दी पत लुटदा ए उस गर्व चो फेर बंदूखां जम दियां आओ अज पूरे भारत दे अंदर हाहाकार मची हुई है कि दिल्ली दी हकूमत लोकां दे ढिड्डां ते लत मार रही है अज दिल्ली दी हकूमत किसान नू सड़कां ते लै आई पर मैं एक फलसफे दे विचों जो मेरा ते तुहाडा इतिहास है जो पंजाबियां दा अते सिखां दा इतिहास है उहदे नाल दावे नाल कह सकदा कि इह इक मोदी है जे इहदे वर्गे 100 मोदी भी आ जाण तां इहनां विच इतनी जुरत नहीं किसे मोदी दे गुरदे विच इतनी जान नहीं कि उह पंजाबियां दी अख विच अख पा के साडी अणख अते गैरत नूं ललकार सके सब तों पहलां 712 ईस्वी दे विच मुहम्मद बिन कासम इस हिंदुस्तान दी धरती कब्जा करन आया उस दिन तो लैके मोदी तक जितने भी दिल्ली दे तख्ते ताउस ते बैठे इन्हां दी सिंघां दे नाल सिखां दे नाल पंजाब दे नाल ते पंजाबियां दे नाल कदे नहीं बनी गुरु नानक पातशाह दे समें 1521 ईस्वी दे विच जदों बाबर इस हिंदुस्तान ते आया उस समें सब तो पहले सिख कौम दे दो शहीद भाई तारा जी ते भाई पोपड़ जी होए ने जिन्हां नूं इस दिल्ली दी हकूमत ने शहीद कीता और पिछले 491 सालां दे विच 900,000 पंजाब दा जम्मिया छिणिया मावां दा बब्बर पुत इह शहादत दा जाम पी चुकिया है और उस शहादत दे विच सिद्धे जां असिद्धे रूप दे विच इस दिल्ली दीआं सरकारां दा हथ सी अते हथ है आओ इस मोदी नूं इहदा बणदा शांदा पाउण दे लई समुचे ही पंजाबी समुचे ही किसान एक केसरी निशान साहिब थले इकट्ठे होके इस नूं इस दी औकात चाह वाली केतली ते कच दे गलास एक बारी दुबारा तो चुकाउण लई मेरे
मेरे साथी काबरू बचे इं कहते हैं जी काले बिल लागू करते सेंटर सरकार ने करनी है खत्म कहानी इना दी मार ने करनी है खत्म किसानी इना दी मार ने पत्थर मुल मोड़ू पाजी पत्थर मुल मोड़ू पाजी इटा दे बागर दीगी कर दागे खत्म कहानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कहानी कीते जो बिल पास ने वापस करवावांगे जे करना कहना मनिया खंडा खड़कावांगे जे करना कहना मनिया खंडा खड़कावांगे करनी है फेर लड़ाई करनी है फेर लड़ाई आर जा पागर दीगी कर दागे खत्म कगानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कगानी मंडी मल बंद हो गया जांदा जट मर जूगा मजदूरां ते आरतियां दा सारा कम खड़ जूगा मजदूरां ते आरतियां दा सारा कम खड़ जूगा होके मजबूर चकनी जी होके मजबूर चकनी आड़ हथियार दीगी कर दागे खत्म कगानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कगानी मंदे जे हार बनाते रंगले पंजाब दे मिटने ने मुश्किल पाले कीते होए काब दे मिटने ने मुश्किल पाले कीते होए काब दे गालत फिर साड़ी कोनी जी गालत फिर साड़ी कोनी जैसे बेगागर दीगी कर दागे खत्म कगानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कगानी अंग्रेजा हथी भारत दी डोर है भारत महान इना ने करता कमजोर है भारत महान इना ने करता कमजोर है लटके खा गए देश नू लटके खा गए देश नू अंश गदागर दीगी कर दागे खत्म कगानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कगानी वध जावे जुल्म हद तो सहना फिर औखा है अच्छे दिन कह के कीता साडे नाल धोखा है अच्छे दिन कह के कीता साडे नाल धोखा है कह के ना पागी पूरी जी कह के ना पागी पूरी कीते इकरार दीगी कर दागे खत्म कगानी मोदी सरकार दीगी कर दागे खत्म कगानी मोडे नाल मोडा जोड़ो त्यागो हुण नींदर नूं इस मंच तो जां जितनियां भी किसानी दियां मंचां समुचे पंजाब दे विच हन जिथे एक दुख दी गल सांझी कीती जांदी है कि किसानी दे उपर मारू वार शुरू हो गया उत्थे नाल दी नाल ही मेरे मन नूं इस गल दी खुशी भी हुंदी है कि उस अकाल पुरख ने साडे ते किरपा कीती है 42 सालां बाद मुड़ के किते आनंदपुर दे मते दी गल हुंदी है अज फिर एक बारी उस तीर वाले बाबे दी गल हुंदी है मैं एक सजदा ओ बेखौफ खालसे दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं करना है पर उस तो पहला क्योंकि जेड़ी माता जी ने गल शुरू कीती है 1 जून 2015 नूं बुरज जवाहर सिंह वाला दे विच्चों एक गुरु दे पावन स्वरूप चोरी होए जिन्हां दी पिंड बरगाड़ी दे अंदर 11-12 अक्तूबर नूं बेअदबी हुई और मुड़ के पंजाब दे विच्चों ये बेअदबी रुकण दा नाम नहीं लै रही ये बेअदबी हो क्यों रही है ये बेअदबी करवा कौन रहा लैक्चर दा समां नहीं कविता दे राही मेरे साथी है इउं कहिंदे आ जी एक गल दसा तेनू गुरु ग्रंथ साहिब जी हुण सानू बस कौली चट मार गए 1984 बैच चलो गैर मन दिया हुण का तो अपने ही सट मार गए एक गल दसा थोनू गुरु ग्रंथ साहिब जी हुण सानू बस कौली चट मार गए 1984 बैच चलो गैर मन दिया हुण का तो अपने ही सट मार गए पैरां विच रोल दी ना एह दस्तार तख्तां ते लोटू जत्थेदार हुंदे ना
ਸੀਖ ਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀਖ ਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2015 ਵੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲਣਾ ਏ ਔਖਾ ਜੀ 84 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਏ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਲੀਡਰ 86 ਨੂੰ ਮਾਜਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੋਂ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਇੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਏ ਚੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਨੀ ਬਚਣੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਕਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰੌਣ ਦਾ ਲੰਕਾ ਦਗਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਜਾ ਫੁੱਟ ਦੇਹ ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਓਏ ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 16 ਅਗਸਤ 1978 ਦਾ ਦਿਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤੀ ਰੂਪੋ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੇਖੌਫ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੜਮੱਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਖਵਰਾਂ ਟੌਟਾਂ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਡੂਹ ਤੇ ਡਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਰੇ ਮੈਂ ਤਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਲੈਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਜੱਗੋ ਵੱਖਰੀ ਝੜਤ ਕਮਾਲ ਵੀਰੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕ ਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਰ ਪਾਈ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ ਬਾਵਾਂ ਅੱਗ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਏ ਤਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੜਕਦੀ ਏ ਕੀ ਚਾਦਮੀ ਦਮਦਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕ ਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਰ ਪਾਈ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਸੂਰੇ ਵੈਰੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇ
सच लई मरन खातर लोड़ पैण ते तेगा ते नचदे ने अमृत तारी प्रतख निडर जोधे कलगी वाले दे सैंग सरदार पाई जांदी छूक दी कारज जारुआ दी गन्ना शीशिया चो दिसण बार पाई बिफता फूके गरीब कचहरिया च मिलती कोई इंसाफ दी आस नहीं सी पिंडरां वाले दे लगे दीवान विचो मरदा कोई सवाली निराश नहीं सी सोभा गाउंदे ने संतां दी लोक सारे मत अपनी अपनी सार पाई जांदी छूक दी कारज जारुआ दी गन्ना शीशिया चो दिसण बार पाई भुलड़ लोकां दी समझ तो बार गल्लां किस गल तो बाबे हथियार रखे छेवें गुरां ने कीते सिद्धांत लागू शस्त्र रखे ते नाल सत्कार रखे नाल जंग लई आश चंगी फौज रखी रोकण वास्ते अत्याचार पाई जांदी छूक दी कारज जारुआ दी गन्ना शीशिया चो दिसण बार पाई तीर हाथ विच सांता दे दसदा है राज कीता ते खालसे राज करना दिल्ली जित के दशना बेच देनी जितण वालिया नाल लिहाज करना पता लगे जे खालसा यार गा गए नाका छड़ दिंदे थानेदार पाई जांदी छूक दी कारज दारुआ दी गन्ना शीशिया चो दिसण बार पाई साथी सोडी ते भाई अमरीक सिंह जी अठे पैर ही बाबे दे नाल रहिंदे थारा सिंह वर्गे गैरतमंद सूरे बैरी जुलम दी हर समय सार लैंदे अमरजीत सिया मौत भी जिंदगी कै अमरजीत सिया मौत भी जिंदगी कै मर्द मरन नू रहन तैयार पाई जांदी छूक दी कार दारुआ दी गन्ना शीशिया चो दिसण बार पाई उस सूरे मर्द बहादुर ने ईन मनी ना हिंद दी राणी दी ओदे अंदर जेड़ी ताकत सी ओ ताकत सी गुरबाणी दी एक बूंद खंडे दे अमृत दी सिर चढ़ के ओदे बोली सी ताही फौज जालम दी उन्हें पैरां दे विच रोली सी उस सूरे मर्द बहादुर बिन टैंका मूहरे सीना किसे ने ताना नहीं इत्थे फिरदे संत बथेरे ने पर भिंडरां वाला किसे ने बनना नहीं अज कुरुक्षेत्र दा मैदान गर्म है अज अर्जन दे तीरां ने द्रोण आचारिया दा सीना बिन दिता ए अपने आखरी साहां ते ਜੁਇਸਟਰ ने अपने चारा भरावां नूं इकट्ठा कीता कि अज साडा विद्यक गुरु इस संसार तो जा रहा है आओ इहदे कोलों कोई आखरी सिक्ख्या लै आईए ये पंजो भरा लैके द्रौपदी नूं नाल कुरुक्षेत्र दे मैदान दे अंदर द्रोण आचारिया दे पैरां वल खड़े इन्हां ने हथ जोड़ के कहा गुरदेव तुसी जो सिखाया उहदे नाल असीं जिंदगी च इत्थे तक पहुँच गए अज जांदी वार दी कोई सिक्ख्या दे जावो जो जीवन दे विच सहाई होवे द्रोण आचारिया ने कंबदे बुल्लां नाल कहा ऐ मेरे पुत्रो ऐ मेरे शिष्य चेलेओ जिंदगी दे विच इक गल याद रखियो जिंदगी च अपना कदे धर्म ना हारियो तुहाडी कदे हार नहीं होएगी इन्हां पंजां पांडवां ने सिर नमा दिता पर द्रौपदी अगे हुई इन्हें हाथ जोड़ के कहा गुरदेव जो तुसी कह रहे हो ये 16 आने साचे पर मैं पूछना चाहनी हाँ जिदन उस दुर्योधन की भरी सभा दे विच मेरी असमत उतारी जा रही सी मेरा चीर हरन हो रहा सी तुसी भी उस दिन उत्थे मौजूद सी उस दिन तुहाडा धर्म कित्थे सी हक्खां चों वगदे हंझुआं दे नाल द्रोण आचारिया ने जवाब दिता पुत्री बेटी उस दिन मेरा धर्म दुर्योधन दे टुकड़ियां ते बिक चुकिया सी आओ मेरी इको ही बेनती है अज इस शंभू बार्डर दी स्टेज तो के जिंदगी दे अंदर जे जित चाहुंदे हो जे पंजाब दी खुशहाली चाहुंदे हो ए तकड़ियां पंजियां जिन्हां ने अपना धर्म ओ दिल्ली दे टुकड़ियां ते बेच दिता है इन्हां नूं पिट दे के केसरी निशान साहब ते थले इकट्ठे होके अपना संघर्ष बिढ़ीए आनंदपुर दे मते नूं अपना ए
एम बना लईए फिर दिल्ली फतेह होएगी। सारियां दा धन्नवाद, उचेचे तौर ते धन्नवाद है शंभू दी इस स्टेज दे मोर्चे दे सारे प्रबंधकां दा, दीप सिद्धू दा, स्टेज सैकटरी साहबान दा। आओ एक असीस दिओ, बुलाओ जी फतेह। ना मैं मित्रो कोई प्रवक्ता, ना मैं कोई लिखारी, ना पिंड ना घर कोई मेरा, उस डाढ़े दी कुदरत न्यारी, सिर दे उत्ते हथ बजुर्गां दा, नाल यारां दी सच्ची यारी। जो मैं लिखदा जो मैं बोलदा, इको मां दी कृपा सारी, बुरियां बुलावां कोहां दूर रहण, उस तों बसदा रहे नहर कंडे मेरा पिंड बटारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।